हाय फ्रेंड, आज मेरा बहुत ब्लॉग सैड वाला है। पूरा ब्लॉग वॉच करना। आरती पूछी, मैंने डाला था ये पहले भी ब्लॉग, लोगों ने वो नहीं किया इस चीज़ को। सब लड़के कहते हैं लड़की भी गलती होती है, लड़के की भी गलती होती है। शायद 10% मेरी भी, मैं मानती हूँ गलती होती होगी, होती है लड़की भी गलती, लड़के की भी गलती। तो मेरी गलती क्या थी भाई? मेरी गलती ये थी तेरी शादी की, तूने मेरे से शादी की। रजत अरोड़ा एंड मुझसे शादी की 2008 में, शादी की 2009 में, चला गया, भाग के छोड़ के चला गया। आज मैं लोगों को बताती हूँ मुझे छोड़ के क्यों चला गया, मुझे नहीं पता। कहाँ है ये भी नहीं मुझे पता। 2009 में, 2008 में, एक साल मेरे साथ रहा है, पूरा शरीर मेरा ख़राब करके चला गया वो बंदा। कौन जिम्मेदार है उसका, कौन जिम्मेदार है? मैं पुलिस के पास भी गई, मेरी पुलिस ने भी एक नहीं सुनी, मेरी पुलिस ने भी एक नहीं सुनी, एक क्या आधी भी नहीं सुनी पुलिस ने मेरी। एड्रेस है, भाग गया, घर ही छोड़ के भाग गया। मेरी गलती क्या थी भाई? मैंने शादी की, मैं माँ थी उसकी, और भाई था प्रतीक अरोड़ा। मैं सब वीडियो लगाऊंगी तेरी, तू देख रहा होगा वीडियो, सारी वीडियो तेरी वॉच देखना इसकी। मेरी गलती कुछ नहीं थी, कुछ भी गलती नहीं थी। इतनी सी भी गलती होती ना, मैं तब भी अपने लिए झुक जाती। तो कोई भी लड़की इसके साथ ठहर रही हो या ठहर रहा हो, लड़की या लड़की शादी करने वाली हो, मैं रजत अरोड़ा की फ़ोटो, वीडियो, पूरी शादी की वीडियो सारा डालूंगी, एक एक बाणी क्लियर करूंगी। मैम कहाँ आप गलत थी, कहाँ वो था? मैं तो पूरी गलत नहीं थी। ताली है, दोनों हाथों से बजती है ना, एक हाथ से नहीं बजती कभी भी, दोनों हाथों से बजती है। मैंने तो कितनी बार, मैंने कहा, मैं तो इनको, इनके घर भी गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो सास और बहू के अंदर होती रहती है ना, छोटी छोटी बातें तो हर कोई सुनता है सास और बहू के अंदर। अगर आप और मेरी नहीं सुनोगे तो मैं आपकी, आप मेरी, आपस में हम दोनों सुनेंगे, तभी तो बनेगा ना घर। लेकिन मैंने आपके साथ इतना सा थोड़ा सा वो करा था, क्या नाम है, आपको एक बात बताई थी, आपने उसका इतना पटंगर बना लिया अपने बेटे के साथ, घर ही छोड़ के चले गए आप। आज तक मुझे इससे डिवोर्स नहीं मिल पाया, इस बंदे से कहाँ डालूँ? जॉब छोड़ के चला गया, ये चला गया, इसके रिश्तेदारों से पूछती हो, कहते हमें तो पता ही नहीं, हमसे तो बोलता ही नहीं था, सीधा सिंपल सा जवाब देते हैं। किसको पकड़ोगे आप? पुलिस वालों के पास तक गई हूँ, गिड़गिड़ाई हूँ, प्लीज़ सर डाल दो आप, प्लीज़ केस तो डालो। नहीं मैम, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। कोई नौकरी करता था, सिर्फ नौकरी करता था, 40,000 रुपये की, 30,000 की जो भी करता था, उसमें ही अपनाया था इसको मैंने। कोई मुझे बड़े बड़े मेरे ख्वाब नहीं थे, मैं भी जॉब करती हूँ, मेरा भी अंडर गारमेंट्स का काम है, लेडीज़ गारमेंट का, मैंने सूटों का स्टार्ट किया है। तो मेरी गलती क्या थी? वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मेरी गलती ये थी बस, मैंने शादी की, सुनने वाला कोई नहीं था, मेरी कोई सुनने वाला नहीं था, छोड़ के चला गया, शरीर को खराब कर गया, एक साल एंजॉय करके गया सारा, किसको दूंगी बताओ? दुख नहीं होता, भाग गया। तू बता के लेटर लिख के जाता मैं भाग रहा हूँ, दूसरे दिन उनके वहां घर गई, दूसरे दिन वो कहते 2 दिन पहले ही घर छोड़ के चले गए हैं, 2 दिन पहले ही घर छोड़ गए। मेरी कसूर आज तक मेरी शादी से कारण नहीं हो पा रही, कहाँ चला गया, कहाँ? पूरी फोटो वीडियो भूलियो मत, तेरे पास कोई फोटो नहीं है, कोई वॉच नहीं है, भूलियो मत, मेरा सब कुछ है, एक एक चीज़ है। तेरी माँ ने कितने कितने सगन लिए, कितना कितना क्या किया है, और तुमने क्या क्या किया है। खासतौर तू किसी लड़की के साथ घर नहीं बसा पाएगा, तूने बहुत गलत किया है। थोड़ा लेट बोली हो लेकिन बोली जरूर, मैं इसलिए चुप थी, हमारे घर वाले एक्चुअली पुलिस वाले के पास गए, हम विकासपुरी में रहते थे, हम विकासपुरी में पुलिस वाले के पास गए, पुलिस वाला कहता है आपका एड्रेस नहीं है, आप किस कारण आए हो यहाँ पे, एड्रेस चाहिए। मैम कंप्लेंट लिखवाई, कहता मैम आपसे, मैं कहा नहीं आप, मैं आपके पास, मैं उनके पास डायरेक्ट चली गई। पुलिस वालों ने इनका इनका ये शाहपुरी में रहते थे, ये भाग गए वहाँ से, किराए के मकान में रहते थे, मुझे नहीं पता ये किराए के मकान में रहते हैं, इतो सब नहीं पता था ये किराए के, मुझे इन्होंने बताया था अपना मकान है। वो कहते दो नीचे वो राशन की दुकान थी, उनसे पूछा मैंने, वो कहते ये तो कब के 2-3 दिन से पहले, हम मैम आए नहीं, आप तो इनकी बहू हो ना, आए नहीं। मैं कहा नहीं नहीं इधर इधर ही हो, कहते नहीं कब का छोड़ के चले गए, कौन जिम्मेदार है, कौन मेरा जिम्मेदार है? किसी लड़की का घर बसा के दो, अब बैठा हुआ आराम से,
बसने नहीं दूंगी ये घर तेरा, मैं मेरा हिसाब करके जा यहाँ पे, एक 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 हिसाब करके जाएगा, बख्श दूंगी तो तुझे भी मैंने। अब यूट्यूब चैनल अगर तुम मेरे इतने से भी हो ना, फैला दो ये आग की तरह वीडियो, फैला दो आग की तरह वीडियो, ये फैला दो, इसके घर तक पहुंचने, इसकी फोटो वीडियो कल तक, वेट द वॉच, आज है होली का दिन, कल तक शाम तक इसकी वीडियो पूरा चिट्ठा ला के आपके पास डाल दूंगी यहाँ पे मैं, कैसे कैसे शादी हुई, कैसे कैसे इसकी माँ भाई सब रिश्तेदार आए थे, जो मना करते हैं हमें पता नहीं है, मासियाँ इसकी जो भी हैं जो आज मना करते हैं हमें कुछ पता नहीं, का घर कहाँ है क्या नहीं है, पूना में, एक पूना में रहती है, ये एक यहाँ रहती है, एक एक रिश्तेदार का घर भी दो, एक मथुरा के पास है भरतपुर, भरतपुर तो आगे बढ़ जाता है, पहले है घर, एक 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 चिट्ठी बाणी सब आए थे, एक एक चीज़ की बाणी, बस आप ये वीडियो आगे तक पहुँचाओ काम, बाकी मेरा काम ये है अब तक पूरी हकीकत पहुँचाना मेरा काम है, किसी की लड़की बजा सकते हो, हक है आपका, अब मेरा हक है बिल्कुल, मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, सबूत के साथ।